पहले से टेप रिवाइंड करें ना कि उसको जस्टिफाई नहीं कोई कर रहा, उसकी पनिशमेंट है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट हैज पनिशमेंट, वो मरहला स्किप नहीं करें। ये नहीं हो सकता कि आपने चीज के ऊपर हमला किया हो और आपको सजा ना मिले, ये नहीं हो सकता कि आपने फैसिलिटेट किया हो, कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया हो जब उनकी फैमिली वहां पर मौजूद है तो आपको पनिशमेंट नहीं मिले, और ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आप पे एतराज है अंदाजे गिरफ्तारी के ऊपर, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा अंदाज दुरुस्त नहीं था, गिरफ्तारी जस्टिफाइड थी, कोर्ट से ये फैसला आया ना, उसी कोर्ट से फिर रिलीफ भी मिली, वो रिलीफ ठीक है, लेकिन जो उस जज ने कहा कि जी ये अंदाज गलत था और गिरफ्तारी ठीक थी, उसके साथ आपने क्या किया, तो गुजारिश ये है कि आप क्या अंदाजे गिरफ्तारी को एतराज बनाकर आप तो रियासत को यरगमाल बना देंगे, आप बिल्डिंग्स को जला देंगे, आप फौजियों के ऊपर पथराव करेंगे, आप जीएस के ऊपर हमला कर देंगे, और कल जब पनिशमेंट हो, कल भी कोर्ट में बैठे क्या कह रहे थे, जिद क्या हो रही थी कि मैंने अपनी गाड़ी में वापस जाना है, आपको पता है आपकी चैनल रिपोर्ट कर रहा था, हमारा चैनल भी रिपोर्ट कर रहा था, वो कह रहे थे जी आईजी की गाड़ी में जाना है, और उसके ऊपर धमकियां क्या दे रहे थे कि अगर आपने मुझे और रोका तो मैं 15 मिनट के अंदर दोबारा वही रद्द अमल आएगा। इमरान खान हैज गॉटन यूज्ड टू यूजिंग ब्लैकमेल एंड क्लस्टर। इस वक्त देखें जुडिशरी, सिर्फ हुकूमत नहीं कह रहे कि जुडिशरी में लोग बैठे इमरान खान को सपोर्ट कर, सीनियर जजेस कह रहे हैं अपने जजमेंट्स के जरिए कि आपकी पॉलिटिकल टिल्ट है, सीनियर जजेस कह रहे हैं अपने जजमेंट्स के जरिए कि आपने खास तरीके से बेंच बनाए हैं और सियासत के अंदर आप कूदे हैं और आपने खास किस्म का इमेज बनाया, सीनियर जजेस ये कह रहे हैं कि आपने सियासत का लुबादा ओढ़ के, ऐसे जजेस जो काम करते हैं वो एक इम्पीरियल कोर्ट होती है, वो दीज आर पॉलिटिशियंस विद रोब्स, ये सीनियर जजेस कह रहे हैं, ये कोर्ट के अंदर से आवाज आ रही है, तो लिहाजा इस दोनों को दे आर नॉट लाइक टू पीस इन अ पॉट। दूसरी बात ये कि जाहिर है हुकूमत ने अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स करनी है, जब उनको नजर आता है कि स्ट्रीट की आवाज ही अदालत सुनती है और अदालत के तीन बंदे सुनते हैं स्ट्रीट की आवाज, तो फिर जाहिर है वो स्ट्रीट के ऊपर बाजा बजाएंगे और हंगामा करेंगे। तो मुझे तो ये तमाम का तमाम मामला जो है ना वो बदतरीन बहरान की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जुडिशरी के 3-4 जज साहबान ने यह तहिया कर लिया कि रियासत के अंदर जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी जितना मर्जी तशद्दुद हो जाए, हमने उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, इमरान खान को हमने वेलकम करना है। इफ दैट इज व्हाट इट इज, तो जाहिर है फिर लड़ाई होगी और खुल के लड़ाई होगी, इसके अलावा तो बीच बजाओ का रास्ता कोई नहीं है। माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।